हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज से हम देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग की डिटेल में। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, पहले होती क्या है और व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग, होता क्या है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स और इसके मेन मेथड के बारे में, और इसका क्लास और ऑब्जेक्ट्स, इसका नोट आप यहीं से वीडियो को रोक कर आप डाउन लिख लीजिएगा। असाइनमेंट इसके लिंक के नीचे मिल जाएगा एकदम वीडियो के लास्ट में। और चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होता क्या है। मान लीजिए हमें जैसे 4 + 5 इसको ऐड करना है, तो इसको तो हम सिंपली कॉपी पर ऐड कर देंगे, तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 9। यही चीज़ हमें जब कंप्यूटर में बतानी होगी तो हम कैसे इसको करेंगे। 4 को एक कन्वर्ट करेगा अपने लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी दो ही भाषा को, एक ही भाषा को समझता है, 0 और 1 के बाइनरी की लैंग्वेज को, 0 और 1 के कोड को हमारा कंप्यूटर समझता है। तो जब हम 4 + 5 करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है इसका और भी प्रोसेस होता है, 4 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में यानी 0 और 1 के फॉर्म में, और 5 को करेगा ऐड कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म में, जो भी इसकी बाइनरी होगी, जो इसका बाइनरी होगा, इन दोनों की बाइनरी को ऐड करके रिजल्ट भी बाइनरी में ही देगा, लेकिन हमें सिस्टम पर दिखाई देगा वो हमारे लैंग्वेज में, हमारे भाषा में। तो यही चीज़ की मतलब हम जो कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे हमें कंप्यूटर से यानी कम्युनिकेशन करने की बात को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझ सकते हैं आप, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए थ्योरी में कुछ लिखे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब कंप्यूटर से बात करने के लिए जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं, होता क्या है, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जो डेवलपर हैं वो हैं जेम्स घोसलिंग और इनके फ्रेंड मिलकर ने जावा को डेवलप किया था इन द ईयर 1995 में। 1995 में जेम्स घोसलिंग एवं उनकी टीम या उनके फ्रेंड्स ने इस जावा के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था। फीचर्स ऑफ जावा, कुछ फीचर्स हैं जावा के। फीचर्स ऑफ जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, पोर्टेबल, सिंपल, सिक्योर, रोबस्ट, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, जिसमें हम पहले बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की, ठीक। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सी का प्रोग्राम है, सी के प्रोग्राम का एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक, उसी से कोड को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक हमने कोड लिखा है, ये इसका ओएस है विंडो वाला, ये विंडो ओएस, ठीक। हमने यहाँ पर सी का एक प्रोग्राम लिखा और यह प्रोग्राम हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मेन कोड जनरेट हुआ, मशीन कोड, और जो डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद इसने जो भी कंपाइल किया और रन किया हमें रिज़ल्ट दे देता है सीधे, ठीक। अब यही चीज़ हम चाहते हैं सेम इसी कोड को हम कॉपी करें और दूसरे सिस्टम, एक दूसरा सिस्टम है जिसका ओएस जो है लिनक्स है, लिनक्स, ठीक। अब इसमें इस कोड को हम सोचें रन करने, तो इस कोड को हम शेयर करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्किंग का प्रोसेस आता है, और जब ऐसा प्रोसेस आता है हम अपने डेटा को शेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ कोड कोई दूसरा हैक कर सकता है, हैक कर सकता है। और ये विंडोज़ में लिखा कोड
हमारे लिनक्स में नहीं रन करेगा। हम जो कोड लिखे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रन करेगा। इस चीज़ को कहते हैं हम डिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट। लेकिन हमारा जावा प्रोग्राम है, तो जावा का प्रोग्राम क्या करता है, जब हम जावा का कोड लिखते हैं, समझिए बात को, जब हम जावा का कोड लिखते हैं, जावा कोड कोड हमने लिखा, इसको कंपाइल किया, एक बाइट कोड फाइल बनाता है, बाइट कोड की फाइल बनाता है, वो जेवीएम को देता है, वहाँ से हमारा कोड रन वगैरह होता है। ठीक, यही बाइट कोड हम अगर इसको ये विंडोज़ में बनाए हैं, अब इसको हम चाहते हैं लिनक्स में बनाना, लिनक्स में हम इसको रन करा सकते हैं। इस बाइट कोड को कॉपी करके हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लाएंगे और यहाँ पर रन करके कोड हमारा रन हो जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहते हैं इसी को। इसी कारण हम इसे ओरा भी कहते हैं, ओरा। राइट वंस, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड एनीवेयर। आप इसे एक जगह लिखें और उसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा मेन मेथड क्या है, मेन मेथड इन जावा में क्या होता है, और ये मेन मेथड है क्या? जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, उसमें कई प्रकार के कई मेथड होंगे, जिसमें हमारा एक मेन मेथड होना ज़रूरी होता है। वही ये मेन मेथड है जिसमें हमारा पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। स्टैटिक कीवर्ड है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। और ये वाइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और ये मेन फंक्शन है। ठीक, तो इसमें जो स्टैटिक लगा है, स्टैटिक क्यों लगा है इसमें? हमारे पास तमाम प्रकार के मेथड हैं, हर एक मेथड का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना होगा, अलग अलग कोड होगा, उसको कॉल कर लिया जाता है डायरेक्ट। लेकिन जो मेन मेथड है, इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया जाता है, तो जेवीएम इसको डायरेक्ट कॉल कर लेता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जावा प्रोग्राम बिना मेन मेथड का रन ही नहीं कर सकता, इसलिए हमारा मेन मेथड इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटी हमें दिख रही है, पेन, लैपटॉप, कॉपी, मोबाइल, स्मार्टफोन, जो कुछ भी है, वो सब हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैपटॉप, पेन, ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके कुछ स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया, एक है डॉग है। ठीक, उस डॉग का कुछ स्टेट है, जैसे उसका कलर, नेम, और उसके कुछ बिहेवियर हैं बार्किंग, ईटिंग। ठीक है, वो भौंकता है, वो खाना खाता है, उसके बिहेवियर है। और उसका स्टेट है कलर, उसका नेम, ये होता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास क्या होता है, व्हाट इज क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, हम सिंटेक्स में क्लास कीवर्ड है, एक क्लास नेम होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, देखिए, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पर देखिए, ये इसके जो हैं ऑब्जेक्ट हैं, ये इसी कलेक्शन को हम, इसके ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लास। तो इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास होगा डॉग, इसका क्लास होगा डॉग। तो मतलब जैसे कि इसमें देखिए, इसका कलर, नेम, पार्किंग, ईटिंग, ये सब ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। जैसे सिंटैक्स में देख लिया, यहाँ पर क्लास कीवर्ड है और एक क्लास नेम,
हमने यहाँ पर क्लास रहने दिया, इस क्लास नेम की जगह हम लिख देंगे डॉग, और क्लास नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, डॉग लिख दिया। अब इसके अंदर का कोड हम एक्टिविटी जो कुछ भी वो लिखेंगे। ये असाइनमेंट की क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। जिसे वाई नीड टू प्रोग्रामिंग बता दिए, वो हु डेवलपर, ये सारा कुछ बता दिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट एक अलग बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।